जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर सैन्य, स्वागत आप सबका अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों आज का हमारा वीडियो स्पेशली SSC GD फिजिकल की डेट को लेकर है, साथ ही आपकी मेडिकल कट ऑफ को लेकर भी है, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। पहली बात तो ये कि SSC GD का फिजिकल कब होगा, क्योंकि आप सबको पता है दो नोटिस आए थे, एक 18 तारीख का और एक 27 अगस्त का, एक 18 अगस्त का और एक 27 अगस्त का, दोनों के दोनों नोटिस। उस समय मैंने बताया था कि हो सकता है कि दोनों के दोनों ये फेक हो, और वही साबित हुआ, वो दोनों के दोनों नोटिस फेक साबित हुए, क्योंकि आप सबको पता है 15 अगस्त हो गई है और अब तक भी SSC GD फिजिकल को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन हाँ, एक अपडेट जरूर आपने देखा होगा कि SSC GD 2025 वाली वैकेंसी है, उसके बारे में कल या परसों एक आर्टिकल छपा था न्यूज में, जिसके अनुसार 27 अगस्त को अगली वैकेंसी आ रही है, ये फिक्स हो गया है, ठीक है अभी तक। बाकी SSC 27 तारीख को क्या करे वो तो SSC जवाब देगी, लेकिन उस आर्टिकल के हिसाब से 27 अगस्त को SSC GD 2025 तो भाई आने वाली है, ये तो फिक्स हो गया है, ठीक है। जो 27 अगस्त है, जो डेट दी हुई है पहले से, उसमें 2024-25 वाली ये वैकेंसी, ये तो फिक्स हो गई है। अब इस वैकेंसी का क्या होगा, आज से पहले जब भी SSC की अगली वैकेंसी आई है, उससे पहले पिछली वैकेंसी कंप्लीट होकर फाइनल मेरिट आ जाती है। यह पहली बार हो रहा है कि SSC GD की वैकेंसी रनिंग है और दूसरी वैकेंसी की भी डेट आ रखी है, यानी वो वैकेंसी के फॉर्म भरे जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, CPSI में ऐसा ही होता है, एक वैकेंसी चलती रहती है, दूसरे के भी फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं। लेकिन इस बार इसकी जो एग्जाम डेट दी है वो आप ध्यान रखना, जनवरी फरवरी कर दी थी, जो कब थी पहले दिसंबर जनवरी थी, इसको जनवरी फरवरी कर दिया। कहने का मतलब यहां पर यह है कि आपकी जो ये वैकेंसी 2024 वाली, ये वैकेंसी पूर्णतः दिसंबर से पहले पहले खत्म कर दी जाएगी और फाइनल मेरिट भी दे दी जाएगी, ये फाइनल है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि SSC GD 2024 दिसंबर 2024 से पहले पहले खत्म होगी। हम देखें तो महीने जो बचे हैं वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कहने का मतलब हर हाल में SSC को जो इस बार के फिजिकल है वो सितंबर माह में कराने ही पड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आप कत्ते ही पूरा ऐसे आराम ना समझ ले कि भाई होंगे नहीं अगस्त के महीने में, अब चांस कम है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगस्त के महीने में ही आपको पता चल जाएगा कि सितंबर में किस डेट से आपके एग्जाम होंगे, ये फाइनल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगले अगस्त के जो 15 दिन है इनके भीतर भीतर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सितंबर में आपके फिजिकल कब होंगे। सितंबर में होंगे फिजिकल, एक महीना चलेंगे फिजिकल, अक्टूबर का रहेगा गेट, नवंबर में होंगे आपके मेडिकल और दिसंबर लास्ट वीक तक आपका होगा फाइनल कट ऑफ या फाइनल मेरिट लिस्ट जारी। ये इस भर्ती का रूटीन रहने वाला है आगे का, अगर बीच में कोई समस्या ना हो जाए तो। लेकिन समस्या कब हो सकती है, देखो SSC ने आज तक जब भी वैकेंसी को डिले किया है तो उसमें एक चीज अच्छी भी हुई है, वो है पोस्ट इंक्रीज। तो क्या अब भी इसमें पद बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं, अभी पूरे पूरे चांस है कि इस वैकेंसी में पद बढ़ाए जा सकते हैं, और वो भी काफी पद बढ़ाए जा सकते हैं, समझ गए। जब भी वैकेंसी डिली हुई है, जितनी भी बार आज तक डिली हुई है, हमेशा उसमें पोस्ट इंक्रीज की गई है। तो जहां तक मुझे लगता है इस बार भी पोस्ट और इंक्रीज होगी, इसीलिए कई बच्चे जो यह सोच रहे हैं कि मैं मेडिकल कट ऑफ तक ही जा पाऊंगा या मेडिकली कट ऑफ के ऊपर में नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मैं फिजिकल नहीं दे रहा हूं, तो उनको एक चीज का ध्यान रखना है, ऐसी गलती नहीं करनी है कि मैं मेडिकल कट ऑफ जा रहा हूं। अगर आपके 2 नंबर भी ज्यादा है, अगर आपके 1 नंबर भी ज्यादा है, अगर आपके 4 नंबर भी ज्यादा है, आपके कितने भी नंबर ज्यादा क्यों ना हो, आपको फिजिकल देने जाना ही जाना है और आपको मेडिकल भी अपना करवाना है, क्योंकि SSC किस समय पोस्ट इंक्रीज कर देगी ये आपको नहीं पता है। फाइनल मेरिट के 2 दिन पहले भी पोस्ट इंक्रीज करती है SSC, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अब आपके मेडिकल से कितने ज्यादा नंबर है इसको लेकर मैंने बताया था ना, मेडिकल कट ऑफ से संबंधित इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। तो जानकारी ये है, आपको क्या करना है, गूगल पर जाकर सर्च करना है रोजगार वाला, ठीक है, रोजगार वाला है, रोजगार वाला.in।
इस पेज पर जाना है, यहां पर ऊपर ऊपर आपको एक साइड दिखेगी ये रोजगार वाला 2-3 करके, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में इस प्रकार का इंटरफेस सामने आएगा, जिसमें सबसे पहले लेटेस्ट जॉब रहेगी, फिर अपकमिंग जॉब रहेगी, और तीसरे नंबर पर रहेगा एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड में सेकेंड नंबर पर एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल फिजिकल डेट 2024 पीटी पीएसटी, इस पे इस ये वाली एसएससी जीडी 2024 फर्स्ट नंबर पे लगा रखी है ना, एक्सपेक्टेड मेडिकल कट ऑफ, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके यहां पर एक नोटिस डाला हुआ है, इस पर जब क्लिक करोगे तो यहां पर आपको अपना स्कोर दर्ज करना है कि आपका स्कोर कितना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक इंटरफेस आएगा, तो उसमें आपको अपनी जानकारी देनी है, तो इससे मैं आपको यह बता पाऊंगा कि आपके कैटेगरी वाइज कितने नंबर ज्यादा, क्योंकि आपको यह तो पता है कि मेरे कट ऑफ से कितने ज्यादा है, लेकिन इस कैटेगरी में बाकी और भी जो बच्चे हैं उनके कितने नंबर ज्यादा है और मेरे कितने नंबर ज्यादा है। फिर इसका जो डाटा है मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा और आपको ये क्लियर कर दूंगा अगले वीडियो में कि कौन कौन बच्चे मेडिकल के बाद में भी क्वालिफाई रहेंगे 100%। तो मैं चाहता हूं कि ये कार्रवाई आप में ज्यादा से ज्यादा बच्चे करें। सबको क्या करना है, सबसे पहले अपना नाम लिखना है, आपका कौन सा मेल फीमेल लिखना है, कैटेगरी लिखना है, और आप जनरल एरिया से आते हैं, बॉर्डर एरिया से आते हैं या नक्सल एरिया से आते हैं वो लिखना है, और परीक्षा में आपके कितने नंबर आए वो लिखने, उसके बाद में आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो लिख के और सबमिट कर देना है। समझ गए बात को, ये आपको काम करना है। इसके बाद में आपका सबसे बड़ा जो संदेह है वो मैं दूर कर दूंगा 100%, क्योंकि मेरे पास में पिछला जो गूगल फॉर्म है उसका डाटा पड़ा है, लेकिन उसमें कई बच्चे कैटेगरी वाइज और जनरल और नक्सल एरिया वाइज और उनकी चॉइस के हिसाब से मैं डाटा को सही से डिफाइन नहीं कर पाया था। कोशिश की थी उसमें ज्यादातर आपको कट ऑफ बताने की, लेकिन फिर भी करेक्ट नहीं। इसके बाद में करेक्ट बता दूंगा और आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप करेक्टली अपने आंकड़े भरें। ठीक है लाडो, ये काम करना है। आपको एक बार फिर बता देता हूं, आपको सबसे पहले इस साइड पे जाना, रोजगार वाला सर्च करना है, ऊपर 2-3 लगा हुआ रोजगार वाला, 2-3 भी कर सकते हैं रोजगार वाला, उस पर जाओगे फर्स्ट में आपको जो आएगा उस पर क्लिक करना है, और सेकेंड में फिर आपके सामने जो इंटरफेस मैंने बताया एडमिट कार्ड का इंटरफेस, उसमें सबसे पहले एसएसजीडी एक्सपेक्टेड कट ऑफ उस पर क्लिक करके, और यहां से ये पेज आपके सामने खुलेगा और यहां से आपको अपना स्कोर दर्ज कर देना है। ठीक है लाडो, जय हिंद जय भारत।